हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा मधुरिमा रीडिफाइन रेसिपीज चैनल। आज हम बनाएंगे बनाना मिल्क शेक। केला हर सीज़न में इजीली अवेलेबल होता है। वैसे ही केला स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, वो हम जानेंगे। केला तनाव से हमें दूर रखता है, वैसे ही हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा को भी बढ़ाता है। जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं उनके लिए वज़न बढ़ाने के लिए रोज़ 2 केले लेना ज़रूरी है। तो चलिए बनाते हैं पौष्टिक स्वादिष्ट बनाना मिल्क शेक। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप फुल क्रीम मिल्क, 4 से 5 हमने आइस क्यूब्स लिए हैं, थोड़े से हमने काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं हमने, 3 से 4 हरी इलायची और एक छोटा टुकड़ा जायफल का लिया है कूटकर, 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी ली है और 2 पके हुए बनाना लिए हैं हमने। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक मिक्सी का जार लिया है। ये जार में अभी हम दूध डाल देंगे। सबसे पहले दूध अभी हमने डाल दिया है इसमें। इसमें अभी हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। आप सादी चीनी भी ले सकते हैं। चीनी की मात्रा आप इसमें बढ़ा सकते हैं, अपने अंदाज से आप डाल सकते हैं चीनी। अभी हम इसमें डालेंगे इलायची और जायफल का पाउडर डालेंगे इसमें। इलायची और जायफल डालने से हमें केले का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसमें अभी हम आइस क्यूब्स डाल देंगे। आइस क्यूब्स डालने से ये बहुत ठंडा हो जाएगा और हम इंस्टेंटली इसे यूज़ कर सकेंगे और केले भी इसमें काले नहीं पड़ते हैं। अभी हम डालेंगे इसमें थोड़े से बादाम। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से काजू। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अभी हम इसमें केला ऐड करेंगे। हमें केले का छिलका उतार लेना है और टुकड़े करके इसमें डाल देना है केला। हमें अच्छा पका हुआ केला लेना है। अगर हम कच्चा केला लेंगे तो हमारा मिल्क शेक का टेस्ट बिगड़ जाएगा इससे, इसीलिए ध्यान रखें कि केले अच्छे पके हुए केले ही लेना है हमें। अभी हम इसमें 2 केले पूरे डाल देंगे। अभी देखिए डाल दिए मैंने। अभी हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे मिक्सी की जार को और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चलिए अभी इसे चेक करते हैं। अच्छे से ब्लेंड हो चुका है हमारा मिल्क शेक, एकदम रेडी है। इसे सर्व करेंगे अभी हम। हमने 2 कांच के ग्लास लिए हैं। इसमें अभी हम ये मिल्क शेक को फिल करेंगे। इसके ऊपर अभी हमने थोड़े से बारीक कटे हुए काजू बादाम डाल दिए हैं और बादाम से इसे गार्निश किया है। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बनाना मिल्क शेक बनकर रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में जो बेल का निशान दिया है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते।